हेलो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होगी सेंसिटिविटी के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों ने तो वो वीडियो का टाइटल देख के पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो ऐसा है ना कि आज भी मतलब बहुत सारे बंदे होते हैं ना, जैसे मेरे टीममेट्स हो गए या कभी रैंडम्स के साथ खेला तो रैंडम्स हो गए, तो कभी कभी वो मेरे से पूछते हैं ना कि भाई आपका लेज़र स्प्रे कैसे जाता है, मतलब दूर दूर में बंदे इतना ईजिली कैसे नॉक कर देते हो। तो गाइस, आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखने का जितना हो सके। तो जो पहला बेसिक पॉइंट है ना, वो है कि आपको जायरोस्कोप खेलना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे बंदे लोग क्या बोलते हैं ना कि मैं तो जायरोस्कोप खेलता ही नहीं हूँ भाई, मैं कैसे करूँगा। तो ब्रो, मैं बोलूँगा ना कि आप सब लोग जैसे जायरोस्कोप हो सके ना तो ट्राई करो, जायरोस्कोप बहुत बेस्ट है। ठीक है, बहुत इफेक्टिव है। मान लो कि सामने बंदा है, ठीक है, अभी आप उसको मार रहे हो और मान लो राइट में या लेफ्ट में कहीं तो भी बंदा आ गया, तो जब आप उससे एम शिफ्ट करोगे ना तो थम से क्या होता है ना, कभी कभी मैंने ये नोटिस किया, मैं भी एक्चुअली पहले थम खेलता था, तो मैंने नोटिस किया है कि ये थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा पीछे ही रह जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ को ठीक करने के लिए जायरोस्कोप काम आता है। कैसे बोले तो ये जायरो, मैं अभी जायरो, अगर अभी जो आपको एग्जाम्पल दिखाया ना, ये मैं थम से करके दिखाया, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, बट जब जायरो से करूँगा ना तो देखो ऐसे एग्जैक्ट उस पर ले जा सकते ऐसे। ठीक है गाइस, तो स्टार्टिंग में तो आप लोग ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्ट ऐसे फास्ट ले पाओ, ऐसा तो नहीं होगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन आप जायरोस्कोप खेलो। जायरोस्कोप सीखना ना उतना हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग इजीली सीख सकते हो। खाली आपका सेंसिटिविटी जो है ना परफेक्ट होना चाहिए, अपने हिसाब से सेंसिटिविटी आप चाहिए तो अपना कर सकते हो, खुद से ट्राई करो खुद से। ठीक है, दूसरों का कॉपी मत करो। वैसे मैं आप लोगों को अपना सेंसिटिविटी भी बताऊँगा कि क्या है मेरा क्या नहीं है, तो वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं मेरा ऐसा लेज़र स्प्रे कैसे जाता है। तो गाइस, सबसे मेन चीज़ है ना कि आपका जो गन है ना, गन का अटैचमेंट सही होना चाहिए। लाइक आपने कॉम्पनसेटर ले लिया या फिर जो भी आप ग्रिप यूज़ करते हो वो ले लिया। अभी आप लोग अगर मेरा ग्रिप पूछोगे कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, तो गाइस अगर मैं M4 उठाता हूँ तो पहले ही M4 ले लेते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है बेसिक सा, ये तो एक्सटेंडेड फिल्टर हो गया और कॉम्पनसेटर हो गया, फिर ये टैक्टिकल स्टॉक। और गाइस, अभी ये जो ग्रिप्स है ना, इसमें से तो मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ ना, एंगल ग्रिप। ठीक है, इससे क्या होता है ना, अब गाइस ये मेरा पर्सनल चीज़ है, मतलब पर्सनल है कि चॉइस है कि मैं अपना ये यूज़ करता हूँ बस, और कुछ नहीं। अभी आप लोग का जो पसंद है वो यूज़ करो, मैं ये यूज़ करता हूँ। तो ये ग्रिप लेने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस में क्या करना है, दूर दूर के जो टारगेट है ना उन पे एम लगाना है, आपको फायर करके मारना है। अभी पहले बार स्प्रे करोगे तो अच्छा नहीं जाएगा, दूसरी बार स्प्रे करोगे अच्छा नहीं जाएगा, बट आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका स्प्रे एकदम लेज़र हो जाएगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस चाहिए और सेंसिटिविटी आपका परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग को मैं एक बार अपना सेंसिटिविटी दिखा दूँ। तो गाइस, ये रहा मेरा सेंसिटिविटी, तो ये कैमरा सेंसिटिविटी, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो। फिर ये आ गया मेरा ADS, मैं यूज़ नहीं करता, तो ये मेरा पूरा 1 पे है। ठीक है, जितना हो सके उतना कम, ये पता नहीं कैसे उतना हो गया, तो ये हो गया। तो गाइस, ये रहा मेरा जायरोस्कोप सेंसिटिविटी, जो कि मैंने 300 किया हुआ है फर्स्ट पर्सन को एंड थर्ड पर्सन को, एंड देन रेड डॉट, 2x, 3x एंड 4x, ये पूरा 400 है। ठीक है, और गाइस हाँ, एक और चीज़, वैसे मैं 4x को ना यूज़ नहीं करता एंड मैं 3x ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। वैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो 4x यूज़ करते हैं, तो अगर बाई चांस मान लो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, 4x यूज़ ही करना पड़ेगा बोल के मैं यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए 400 सेंसिटिविटी। अदरवाइज़ अगर मैं स्नाइपिंग करता हूँ, DMR मैं बहुत कम चलाता हूँ गाइस, तो अगर मैं स्नाइपिंग करता हूँ तो इसको डायरेक्ट कर लूँगा मैं 50 पे कर लूँगा। ठीक है, बट अगर मेरे को स्प्रे देना है बोल के मैं 400 कर लूँगा। और ये जो नीचे का ADS जायरोस्कोप है ना, ये सेम एकदम जैसा मेरा जायरोस्कोप है वैसे ही सेम ये भी जायरोस्कोप का ADS वाला। ठीक है, तो ये ऐसा रखना है आपको। तो मेरा तो ये, आप लोग अगर चाहिए तो आप लोग मेरा कॉपी कर सकते हो, बट अगर आपको खुद से बनाना है तो खुद से भी बना सकते हो। ठीक है गाइस, तो वैसे मैंने आपको सेंसिटिविटी दिखा दिया, तो चलो कंट्रोल्स भी दिखाई देता हूँ। तो ये रहा मेरा कंट्रोल्स, आप लोग देख सकते हो, और मैं आप लोगों को एक कंट्रोल कोड भी दे देता हूँ, अगर जिसको चाहिए होगा वो ले सकता है। तो गाइस, आप स्क्रीन को मतलब पॉज करके इसको ना नोट कर लो, ठीक है, या मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो ये हो गया मेरा, ठीक है, और ये हो गया मेरा सेंसिटिविटी का। सेंसिटिविटी तो आप लोग देख ही सकते हो, इतना कर लेना गाइस। तो अभी बढ़ते हैं कि मेन चीज़ क्या है आपका। तो मेन क्या है ना कि आपको प्रैक्टिस करना है। अभी मैं आपको एक बार अपना दिखाता हूँ कैसे
करता हूँ मैं, मतलब मेरा स्प्रे कैसा है। और गाइस एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप ट्रेनिंग ग्राउंड में आओ ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेक श्योर कि आप लोग गन का अटैचमेंट्स ना लो। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए लगाया था कि ये सब मैं उठाता हूँ, बट आप जब प्रैक्टिस करो तो अटैचमेंट के बिना करो, क्योंकि क्लासिक में आपको वैसे भी मिल ही जाएगा ना। ये मेरा पर्सनल चीज़ है गाइस, अगर आप चाहिए तो आप लोग अटैचमेंट के साथ भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन मैं तो बिना इसके करता हूँ। उसके बाद मैं कहीं पे भी आ जाता हूँ, बट जो मेरा मेन मतलब जो फेवरेट प्लेस है ना वो ये है, मैं यहाँ पे आता हूँ इस पेड़ के पीछे, और वो दूर में आपको दिख रहा होगा एक पेड़, ठीक है, उस पेड़ को मैं यहाँ से मारता हूँ, ठीक है भाई। तो आप देख सकते हो मैं बिना अटैचमेंट भी प्रैक्टिस करता हूँ, और ये मैं सबको बोलूँगा कि वो करे, क्योंकि अगर ऐसे प्रैक्टिस करके मास्टर कर लिए तो भाई मतलब अटैचमेंट के साथ तो आपका नेक्स्ट लेवल स्प्रे हो जाएगा। तो मैं ये करता हूँ, तो आपको उधर आप स्प्रे देना, आप देखो मैं स्प्रे कैसे देता हूँ। तो गाइस ये था मेरा 3x का स्प्रे, अभी मैं 4x यूज़ तो नहीं करता जैसे कि आपको पहले बताया था, बट अगर मैं 4x यूज़ करना चाहूँ तो क्या करूँगा कैसे, तो आप देखो। तो गाइस ऐसा स्प्रे जाएगा आपका, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया है तो तब जाके मेरा स्प्रे ऐसा हुआ है। तो ये जो टारगेट है ना, पहले देख लो आपका डिस्टेंस कितना है। मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ अराउंड 480, ठीक है, 480 मीटर पे प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग में भी ऐसे मतलब प्रैक्टिस कर पाऊँगा, लॉन्ग में मार पाऊँगा, तो शॉर्ट में ईजी होगा मेरे लिए, इसलिए मैं इतना प्रैक्टिस करता हूँ गाइस। तो ये 3x का स्प्रे देखो, वापस देखो, तो आपने देखा होगा एकदम लेज़र स्प्रे जाता है गाइस। तो ये सब प्रैक्टिस का कमाल है, और आपने मेरा सेंसिटिविटी भी देख लिया, तो उसके हिसाब से आप अपना भी सेंसिटिविटी बना सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है गाइस, बस प्रैक्टिस ही है प्रैक्टिस, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, रोज़ ट्रेनिंग ग्राउंड में आओ, फिर आपका स्प्रे नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं अटैचमेंट यूज़ करूँ तो मेरा स्प्रे कैसा जाएगा, ठीक है। सो गाइस आपने देखा होगा नेक्स्ट लेवल, एकदम लेज़र, देखा ना गाइस। तो यही है प्रैक्टिस का कमाल है गाइस, प्रैक्टिस करो सब हो जाएगा। तो गाइस ये था मेरा 4x का। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, मतलब इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी मेरे सेंसिटिविटी की वीडियो, और आपको कंट्रोल कोड भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो अगर आपने पॉज करके लिखा होगा तो अच्छा है, वहाँ से ले सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।